Manheesh. Manheesh, check. Speaker, check. भाई लोग, जैसा कि आपने यहाँ पर साउंड चेक देखा, छोटा सा साउंड टेस्टिंग मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही तरीके से साउंड टेस्टिंग, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डीजे सेटअप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या स्पीकर लगा हुआ है, कितने वाट का स्पीकर लगा हुआ है, कौन सा एम्पलीफायर है, कौन सा जनरेटर लगा हुआ है, ये सभी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको अगर स्किप करते हैं वीडियो को तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा स्पीकर है, कितने वाट का बेस है, कितने वाट का टॉप है, कितने एम्पलीफायर लगे हुए हैं इसमें, कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है, ये सभी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कितने वाट का टॉप लगा हुआ है, कितने वाट का बेस लगा हुआ है और कौन सा यहाँ पर ब्रांड का स्पीकर यूज़ किया गया है। सो गाइस, बात करेंगे हैं तो यहाँ पर टॉप के बारे में, जो कि 4 टॉप लगा हुआ है और यहाँ पर 8 बेस लगा हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर कितने वाट का स्पीकर सभी में लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले टॉप स्पीकर के बारे में, जो कि यहाँ पर 350 वाट का स्पीकर लगा हुआ है। सभी स्पीकर यहाँ पर 350 वाट के हैं टॉप स्पीकर में, जो कि एक टॉप कंप्लीट बन जाता है 700 वाट का, प्लस इसमें 100 वाट का एचएफ भी, भाई ने बताया कि 100 वाट का एचएफ लगा हुआ है टॉप में, तो यहाँ पर एक कंप्लीट टॉप 800 वाट का बन जाता है एचएफ को मिला करके। तो यहाँ पर इस टाइप के 4 टॉप यूज़ किए गए हैं इस डीजे सेटअप में। और वहीं हम बात करेंगे यहाँ पर बेस के ऊपर, जो कि यहाँ पर 8 बेस आप देख सकते हो आरसीएफ के सिंगल फ्रंट वाले बेस हैं। और यहाँ पर स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 1500 वाट का सभी कैबिनेट में लगाया गया है स्पीकर, जो कि 8 बेस हो जाते हैं। ब्रांड के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर टॉप में कौन सा स्पीकर लगाया गया था और 1500 वाट के जो बेस है 8 बेस, इसमें कौन सा स्पीकर लगाया गया है। सो गाइस, यहाँ पर इसमें ऑडियो टोन का स्पीकर लगाया गया है बेस स्पीकर में, और टॉप स्पीकर में भी ऑडियो टोन का स्पीकर लगाया गया है, मतलब कि सभी स्पीकर ऑडियो टोन के यूज़ किए गए हैं। वहीं हम बात करेंगे तो यहाँ पर एम्पलीफायर कौन कौन सा यूज़ किया गया है बेस के लिए और टॉप के लिए। तो यहाँ पर बेस के लिए एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, जो कि 7500 वाट का एम्पलीफायर है, स्टूडियो मास्टर का PA 7.5, जो कि यहाँ पर 7500 वाट का एम्पलीफायर है। और इस एम्पलीफायर में यहाँ पर 4 बेस चलाए गए हैं, जो कि 2 बेस एक चरण में और 2 बेस दूसरे चरण में, और दूसरे एम्पलीफायर में भी सेम वैसे ही चलाया गया है, 2 बेस एक चरण में और 2 बेस दूसरे चरण में। बात करेंगे तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में 4 ओम्स के ऊपर यहाँ पर 3000 वाट का लोड डाला गया है सभी चैनल में। और वहीं हम बात करेंगे तो स्टूडियो मास्टर का 4.5 यूज़ किया गया है, जो कि 4500 वाट का एम्पलीफायर है और इसमें चलाया गया है 4 टॉप, 2 टॉप एक चैनल में, 2 टॉप दूसरे चैनल में पैरेलल कनेक्शन में, और यहाँ पर 2 ओम्स के ऊपर रन किया गया है। और वहीं हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर भी लगाया गया है इस डीजे सेटअप में, जो कि है स्टूडियो मास्टर का 321, जो कि मॉडल नंबर है। और भाई ने यहाँ पर मिक्सर नहीं बताया है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें कितने केवीए का जनरेटर लगा हुआ है और कैसे कैसे लोड डाला गया है। तो बात करेंगे तो यहाँ पर 2 जनरेटर का यूज़ किया गया है इस डीजे सेटअप को चलाने के लिए, एम्पलीफायर, लाइट वगैरह सभी को चलाने के लिए 2 जनरेटर यूज़ किया गया है, जो कि 10 केवीए का सुपर भारत का जनरेटर लगाया गया है, और यहाँ पर 1.7 केवीए का जनरेटर लगाया गया है, जो कि भारत दीप का है। और बात करेंगे तो यहाँ पर कैसे कैसे लोड डाला गया है, मतलब कि 10 केवीए में क्या कौन कौन सा एम्पलीफायर चलाया गया है, 7 केवीए में कौन कौन सा एम्पलीफायर चलाया गया है। तो यहाँ पर 10 केवीए के जनरेटर में यहाँ पर चलाया गया है स्टूडियो मास्टर का 7.5 एक पीस एम्पलीफायर, और स्टूडियो मास्टर का 4.5 एम्पलीफायर, जो कि टॉप के लिए था। तो यहाँ पर 10 केवीए में 4 बेस और 4 टॉप चलाया गया है, मतलब कि 2 एम्पलीफायर लगाया गया है 10 केवीए के एम्पलीफायर में। और जो 7 केवीए के जनरेटर में चलाया गया है, वो चलाया गया है यहाँ पर 4 बेस, मतलब कि 1 एम्पलीफायर, जो कि यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का 7.5 है, और प्लस इसमें जितना भी लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर पार लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर सारपी लाइट भी लगा हुआ है, जो कि 7R है सारपी लाइट, मैं आपको बताना भूल गया था। तो यहाँ पर सारपी लाइट 7R यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि 4 पीस है। और यहाँ पर 7 केवीए में यहाँ पर सभी लाइट चल रहे हैं, प्लस यहाँ पर एक स्टूडियो मास्टर का 7.5 एम्पलीफायर चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर 4 बेस प्लस यहाँ पर लाइट वगैरह यहाँ पर 7 केवीए के जनरेटर में चलाया गया है। और बात करेंगे तो सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डिजिटल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल में। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।